नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट कोड 687 में जो स्टैट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें उसे, जिसमें मैंने 22 से 23 वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो 29 तारीख को पेपर है, तो उससे पहले आप सारे वीडियो देख लें, जो जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। और कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो देखें ढंग से और कॉपी पे नोट डाउन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर मेड नेशनल कमीशन में अपील विद इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 30 डेज। ये इकोनॉमिक्स का सॉरी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द मोड वैल्यू फॉर, तो ये सीरीज दे रखी है, तो इसमें आपको मोड बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 125। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 15, 22, 27, 11, 9, 21, 14, 9 इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 6.22। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आंसर की है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि सभी को पता चले कि राइट आंसर क्या है। एक्चुअल में मैक्सिमम टाइम जो है मैंने देखा है कि क्वेश्चन के आंसर कई बार कुछ होते हैं कई बार कुछ होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कई बार आंसर की में रॉन्ग जो आंसर है वो भी ठीक करके दे दिया होता है, लेकिन एक्चुअल में वो आंसर गलत होता है। मेरे को एक लड़के ने कमेंट भी किया था, तो आप ढंग से अपने अगर आपको डाउट हो तो चेक कर लें कि आंसर ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द डेटा 1925, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51 is 32, if 25 is replaced by 52, what will be the new median, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, probability of failure in binomial distribution is denoted by, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी Q = 1 - P। ये जो क्वेश्चन था ये भी पूछा गया था, अगर मेरा किसी ने पहले वीडियो देखा होगा अकाउंट्स का, उसमें भी पूछा गया था और स्टैट्स का उसमें भी पूछा गया था, और ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था जो पोस्ट कोड 723 अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, तो आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज, तो मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक है। तो जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और आप मैक्सिमम लड़के मेरे से PDF मांगते रहते हैं, एक्चुअल में मैंने 22 से 23 वीडियो ऑलरेडी डाल रखी हैं, अगर आप वही, मेरा तो आपको ये खाली ये मकसद है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। कुछ बंदे पहली बार पेपर दे रहे हैं तो उनको पता नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी के लिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाया हुआ है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और आप बुक से पढ़ो, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आज क्वेश्चन आ जाएंगे और टॉपिक का भी आपको पता चल जाएगा, कि जैसे कि कोरिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीडियन के पूछे जाते हैं, मोड के पूछे जाते हैं, और
रैंकिंग के पूछे जाते हैं, रिग्रेशन वगैरह, कोलेशन, प्रोबेबिलिटी, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आप बुक्स से भी पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप दिन में एक वीडियो मैं डाल देता हूँ, आप उसे भी देखो, और उसके अलावा आप अपनी किताबों से भी पढ़ो, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट ग्राफ ऑफ वेरिएबल हैविंग लीनियर रिलेशनशिप विल बी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन जर्नल लेजर रिकॉर्ड इंक्लूड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिटेल पोस्टिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन वी द प्राइस ऑफ ए बैग ऑफ राइस वर्थ 350, 280, 340, 290, 320, 310, 300, द रेंज ऑफ, तो इसका क्या होगा, लार्जेस्ट माने स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सी है 350, और लोएस्ट कौन सी है, इसमें है 280, तो इनका डिफरेंस आएगा 17, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10, 20, 30, 40, 50, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन विल बी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0, किसी भी वितरण का जो विचलन का योग होता है वो 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, द सैम्पलिंग प्रोसीजर इन विच एन इंटरव्यू इज आस्क्ड टू इंटरव्यू 25 टीचर, 50 पब्लिक सर्वेंट एंड 25 फार्मर इज कॉल्ड, तो क्या हो गए, कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द बेस्ट फिटिंग ट्रेंड इज वन ऑफ विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बी मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाई डू सैम्पलिंग एरर अकर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन, डिफरेंस अमंग द सैम्पल एंड देमसेल्फ, चॉइस ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल, तो और सभी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट आप 15 नंबर क्वेश्चन, एनालिटिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट कमोडिटी एंड इट्स प्राइस इज क्लासिफाइड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिमांड एनालिसिस। नेक्स्ट है एक थोड़ा इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर टू प्रीवियस ईयर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑफ लॉस्ट ट्रेडिंग एसेट्स, तो कैपिटल रिसीव्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, मैं अभी आपको खाली इसी के बताऊंगा जो इकोनॉमिक्स और स्टैट की। नेक्स्ट है 26, इफ डिमांड फॉर ए गुड्स इज इनलास्टिसिटी एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल काउज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन ए शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीज इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म इज वेरी लार्ज, तो क्या होता है वो, मोनोपोली, ठीक है। मार्केट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30th, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्राइस आपका राइट आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ये आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आंसर की भी कई बार गलत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द निक डिमांड कर्व एक्सप्लेन प्राइस विजिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, हेलो एरर मींस, जो हेलो एरर है वो क्या शो करता है आपको, व्हेन वन एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉई यूज इज इवेलुएशन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है आपका चूज ऑड वन आउट, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।